संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक पंडित श्री अमित कृष्ण गोस्वामी जी, आयोजक श्रीमती मीना पासराम टाक, कथा का स्थान मकान नंबर B115 राजधानी परिसर न्यू RTO ऑफिस के सामने ट्रांसफोर नगर भोपाल। श्रीमद् भागवत कथा कोटा ट्रांसफोर नगर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हेडलाइन 24 से संतोष योगी। शर्मा जी, लखन विश्वकर्मा जी, महेश सेवानी जी आ जाएं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। बिंब फला धरो। अरे आदरणीय बिल्डर पर राजधानी परिसर B115 मोक्ता ट्रांसपोर्ट नगर में 23 से लेकर के 24 तारीख तक भागवत कथा है। 6 बजे से 6 बजे तक सभी लोग पधारे हमारे घर। और क्या क्या आयोजन रहेंगे 7 दिवस में? भंडारा है 24 तारीख को, भंडारा है और कृष्ण लीलाएं भी है, रुक्मणी विवाह है, शिव पार्वती विवाह है, फूलों की होली, ये सब कार्यक्रम रहेगा हमारे। आज ये जो निकालेंगे कहाँ तक जाएगी? ये हनुमान मंदिर से लेके राजधानी परिसर तक जाएगी। परशुराम टाक। बाबूलाल सिसोदिया मेरा नाम है। ये कलश यात्रा निकल रही है, 17 से 23 तारीख तक हमारा कार्यक्रम चलेगा भागवत कथा का, और सूर्यमुखी हनुमान से प्रारंभ होके और परिसर जाना है कोकता ट्रांसपोर्ट नगर। क्या आयोजन रहेंगे? अब इसमें आयोजन की रूपरेखा ऐसा है कि यहाँ से हमारे भाई हैं मित्र, उन लोगों को जो भी इन्होंने डिसाइड किया है, ये 17 से और हमारा 23 तक जो भी आयोजन रहेगा वो अच्छी तरह से और अच्छे रहेंगे। मैं महेश शिवानी, भारतीय जनता पार्टी आनंद नगर मंडल का उपाध्यक्ष, आनंद नगर मंडल का उपाध्यक्ष। ये जो भगवत कथा जो स्टार्ट हो रही है, यह एक धर्म के प्रचार प्रसार का बहुत सुनहरा अवसर होता है, और युवा आज की पीढ़ी जो धर्म से विमुख हो रही है उनको धर्म की ओर अग्रसर करने के लिए ये राम कथा, चाहे भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो, इनका आयोजन समय समय पे हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में हमारी आदरणीय नेत्री बहन श्रीमती कृष्णा गौर दीदी के सानिध्य में समस्त राम कथाओं का आयोजन हो रहा है, समस्त भागवत कथाओं का आयोजन हो रहा है, और तमाम तरह के धार्मिक प्रचार प्रसार चरम पे रहते हैं, और सदैव यहाँ 12 महीने ही कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं। इससे क्या है, एक तो कोरोना काल में जो कोरोना वायरस का जो संकट रहा उसका कम से कम असर हमारे क्षेत्र में देखने को मिला, उसकी वजह यही है यहाँ धार्मिकता बहुत प्रचुर मात्रा में चलती रहती है, और धार्मिकता से क्या है जो युवा पीढ़ी इधर उधर नशे में भटकने के प्रयास में रहती है, धर्म उनको उन चीज़ों से रोकता है और आध्यात्मिक की ओर ले जाता है और उनको उन्नति की ओर अग्रसर करता है। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।